कहा जाता है पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, लेकिन जब पति ही जान का दुश्मन हो जाए तो ऐसे रिश्ते जिंदगी को शर्मसार कर देते हैं। ऐसी खबर बिहार से सामने आई, जहां पर एक पति ने अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी को पीट पीट कर मार डाला। ये पूरा मामला हाजीपुर के रामपुर गाँव का है, जहाँ पर 9 अक्टूबर को एक महिला की संदिग्ध हालत में शव मिला। मृतक महिला की पहचान कुंदन राय की पत्नी प्रियंका कुमारी के रूप में की गई। इस हत्या की खबर से पूरे गांव में कोहराम मच गया और आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं दूसरी तरफ बेटे के मौत की खबर सुनते ही मायके वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया और प्रियंका के घर वालों का कहना है कि कुंदन ने लड़की के चक्कर में उनकी बेटी की हत्या कर दी है और ये आरोप लगाया कि कुंदन का किसी लड़की के साथ अवैध संबंध था, जिसके कारण प्रियंका के साथ अक्सर मारपीट करता था। मायके वालों का ये भी कहना है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही पति पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हो गया था और प्रियंका के साथ मारपीट करता था। पति पत्नी के बीच विवाद इसलिए हो रहा था क्योंकि कुंदन अपने गांव की ही किसी लड़की से प्रेम करता था। उसकी पत्नी उसका विरोध करती थी। कई बार प्रियंका ने इसकी शिकायत अपने मायके वालों से भी की थी, लेकिन इसका कोई असर कुंदन पर नहीं हुआ। वो अपनी आदतों से बाज नहीं आया। ज्यादा विवाद होने पर प्रियंका की हत्या कर दी। हालांकि इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई। उसको ठीक ठाक या दूसरा लड़की के चक्कर में मार दिया है। कौन मार दिया? उसका पति मार दिया। लड़का का कहीं अफेयर चल रहा है? हाँ, एक दो शादी लेडी से उसके चक्कर में। कितना दिन से था? को पता नहीं है कितना दिन से चलता था, लेकिन इधर फिलहाल एक 1.5 महीना से बहुत रात में दिखा था उसको। सूचना आपको कैसे मिला? फोन की थी 1 सप्ताह पहले ही, बताई थी कि हमको ना रात में दिखा के आते हैं तो बच्चा सबको बहुत मारते हैं, हमको भी बहुत मारते हैं। प्रियंका देवी का शव पाया गया है यहाँ अस्पताल में। शव का पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। परिजनों के द्वारा लिखित आवेदन दी जा रही है। सौ उनके कमरे में पाया गया घर पर जो चोर ने देखा था, वो जांच का विषय बिंदु है। जो भी परिजनों के द्वारा, आसपास के लोगों के द्वारा बताया गया, उनके द्वारा बताया गया हर एक बिंदु का बारीकी से और गहनतापूर्वक उसकी जांच की जा रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी तो पति को अभी तक हम लोग एक करके पूछताछ कर रहे हैं आगे की प्रक्रिया कर।